आज अपना जो चैप्टर चल रहा है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन, उसी चैप्टर में जेनर डायोड जो है टॉपिक उसको कवर करेंगे। तो जेनर डायोड को स्टडी करने से पहले अपन थोड़ा सा पीएन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पीएन डायोड में क्या है, पीएन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस पे एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, यानी कंडक्ट करता है। जब पीएन डायोड रिवर्स बायस पर होता है तो वो कंडक्ट नहीं करता, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर अपने को पीएन डायोड को रिवर्स बायस पे वर्क करवाना है तो अपन उसमें क्या चेंज करेंगे वो देखते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, जो पीएन डायोड है उसके पी रीजन और एन रीजन जो है इनका डोपिंग लेवल इंक्रीज कर दिया, यानी इनमें जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो अधिक मात्रा में ऐड करेंगे। तो जब अपन इम्प्योरिटी अधिक मात्रा में करेंगे, यानी इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, तो जो इम्प्योरिटी एटम है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो ये डिप्लेक्शन लेयर है इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, यानी ये नैरो हो जाएगी। तो देखो क्या है, जेनर डायोड ए हैवली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड जिसे रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है को जेनर डायोड के रूप में जाना जाता है। जब एक पीएन जंक्शन डायोड अत्यधिक डोप हो जाता है तो क्रिस्टल में इम्प्योरिटी एटम यानी अशुद्धि परमाणु जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन अधिक होगी, जिसके कारण डिप्लेक्शन लेयर में आयन की कंसंट्रेशन अधिक होगी तथा डिप्लेक्शन लेयर की विथ जो है कम हो जाएगी, यानी उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। अब देखो जो जेनर डायोड है वो रिवर्स बायस पे वर्क करता है, तो क्या होता है जब अपन इसको रिवर्स बायस पे कनेक्ट करते हैं, यानी पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, तो क्या इसकी जो डिप्लेक्शन लेयर है इसके अक्रोस में जैसे जैसे अपन रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे इसके अक्रोस में विद्युत क्षेत्र इंक्रीज होगा, जिसके कारण डिप्लेक्शन लेयर में जो है कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे। तो सहसंयोजी बंध जब टूटते हैं तब इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर उत्पन्न होगा तो उसमें जो रिवर्स करंट है वो अचानक से बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, इस प्रभाव को जेनर इफेक्ट कहते हैं। देखो रिवर्स बायस डायोड के अक्रॉस में जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तब डिप्लेक्शन लेयर के अक्रॉस में विद्युत क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जब यह विद्युत क्षेत्र अधिक हो जाता है तब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, इस प्रकार बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होते हैं और रिवर्स करंट अचानक बहुत अधिक हो जाती है, इस प्रभाव को जेनर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो है जेनर डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ये एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, नेक्स्ट आके देखो जेनर डायोड की करेक्टरिस्टिक। तो जैसे अपन ने पीएन डायोड की करेक्टरिस्टिक स्टडी की थी वैसे ही जेनर डायोड की फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक और रिवर्स करेक्टरिस्टिक होती है। फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक में क्या होता है, देखो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक में सबसे पहले अपन सर्किट डायग्राम पे आते हैं। तो सर्किट डायग्राम में जो वैल्यू मेंशन की हुई है इसको आप छोड़ देना, डायरेक्ट जो है ये वी वोल्टेज है, ये आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो है मिली एम्पियर है, मिली एमीटर है जो फॉरवर्ड करंट को मेजर करते हैं। एमीटर सर्किट के हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, और ये जो है जेनर डायोड जिसको अपन ने फॉरवर्ड, देखो पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, यानी जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस पे हो गया। ठीक है, अब इस जेनर डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर लगा दिया इसके पैरेलल में। ठीक है, तो जब जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस पे होता है तब इसकी जो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक होती है वो पीएन डायोड की फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक के सिमिलर होती है। यानी क्या होगा, जब तक अपना अप्लाइड वोल्टेज जो है पोटेंशियल बैरियर से कम होगा तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगी, करंट कितनी रहेगी, जीरो। जब अपना फॉरवर्ड वोल्टेज जो है बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या है, करंट जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या होगी, इसकी फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक।
अब देखो रिवर्स करेक्टरिस्टिक में क्या करते हैं, तो पहले सर्किट डायग्राम पे चलते हैं। रिवर्स करेक्टरिस्टिक में बाकी सारा सेम रहेगा, बस जेनर डायोड को अपन रिवर्स में कनेक्ट करेंगे। रिवर्स में यानी एम को बैटरी के पॉजिटिव से और पी को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना पीएन डायोड की रिवर्स करंट कम होती है, इसलिए माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, जबकि जेनर डायोड की रिवर्स करंट जो होती है उसको जेनर करंट बोलते हैं, वो करंट अधिक होती है उसको मिली एम्पियर में मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग में रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया, तो सेम वही है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है P से होल बैटरी के नेगेटिव पे आ गए, N से इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव पे आ गए, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ने जंक्शन को क्रॉस नहीं किया, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट कितना हो गया, जीरो, ठीक है। अब P में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, N में कुछ होल होते हैं, वो मूव करना शुरू किया, उन्होंने जंक्शन को क्रॉस किया, तो क्या होगा, जब रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो कुछ करंट, स्मॉल करंट फ्लो रही है, ये करंट फ्लो रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिप्लेक्शन लेयर के अक्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो अपने को इलेक्ट्रॉन होल का पेयर मिलेगा और करंट जो है ये शार्पली इंक्रीज हो जाएगी, इसको बोलेंगे जेनर इफेक्ट। ये जो वोल्टेज है इसको बोलेंगे जेनर वोल्टेज, ठीक है। तो जेनर वोल्टेज, जब जेनर इफेक्ट के बाद क्या होता है, जेनर डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज वीजेड रहेगा। अब रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन वोल्टमीटर केवल वीजेड वोल्टेज ही देगा, ठीक है। लेकिन जो करंट जो है जेनर करंट वो इंक्रीज होती जाएगी, यदि इस जेनर करंट को कंट्रोल नहीं किया गया तो डिवाइस जल जाएगा, इसलिए इस करंट को जो है सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो करंट लिमिटर होता है उससे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, रिवर्स करेक्टरिस्टिक, जैसा कि हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं शुरू में एक स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नोट फ्लो होती है, यह करंट थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर के कारण बहती है। रिवर्स वोल्टेज के एक निश्चित वैल्यू पर रिवर्स करंट अचानक और तेजी से बढ़ेगा, यह एक संकेत है कि ब्रेकडाउन हुआ है। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज वीजेड कहा जाता है। जेनर डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज वीजेड स्थिर रहता है, रिवर्स वोल्टेज में किसी भी इंक्रीज से रिवर्स जेनर करंट में वृद्धि होगी, यानी वो इंक्रीज होगी। रिवर्स ब्रेकडाउन के बाद जेनर करंट को एक रेजिस्टेंस आर को जोड़कर नियंत्रित किया जाना चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अत्यधिक हीटिंग के कारण डिवाइस को किसी भी नुकसान से बचने के लिए यह आवश्यक है, ठीक है। तो ये होगी अपनी रिवर्स करेक्टरिस्टिक। अब अपन जो है जेनर डायोड जो है उसके इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। तो देखो थोड़ा सा डार्क है, देखना बाकी समझ में आ जाएगा क्या है। ये जेनर डायोड है, तो स्टार्टिंग में अपन ने इसको फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट किया, यानी पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से, तो जेनर डायोड पीएन डायोड की तरह बिहेव करेगा, यानी ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। जब अपन ने क्या किया, इसका रिवर्स किया, इसको रिवर्स बायस पे किया, P को नेगेटिव से M को पॉजिटिव से, तो देखो इसका जेनर वोल्टेज है VZ। जब अपना रिवर्स वोल्टेज जो है VZ से अधिक है या उसके इक्वल है, यानी VI greater than equals to VZ, तो जेनर डायोड जो है एक VZ वोल्टेज की बैटरी की तरह बिहेव करेगा। और जब अपना इनपुट वोल्टेज VZ से कम है तो जेनर डायोड जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी जब VI is less than VZ है तो जेनर डायोड क्या हो गया, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी जब अपना VI greater than equals to VZ है तब ये ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है, ठीक है। तो अब आगे देखो, जो जेनर डायोड जो है, पहले अपन इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो जेनर डायोड की एप्लीकेशन क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका है मीटर प्रोटेक्शन में यूज लेते हैं। तीसरा जो है वेव शेपिंग सर्किट में अपन जेनर डायोड यूज लेते हैं।
तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो समझो इसको, देखो क्या करता है। सबसे पहले जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह उपयोग कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर जो अनरेगुलेटेड सप्लाई से रेगुलेटेड सप्लाई प्राप्त करना, उसे वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो देखो, अपने को रेगुलेटेड पावर सप्लाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, यानी नीड ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, सोर्स वोल्टेज में इंक्रीज होने के कारण लोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट इंक्रीज होते हैं, तो लोड ओवरहीटिंग के कारण डैमेज हो सकता है। क्या है, अगर अपन इनपुट वोल्टेज को रेगुलेट नहीं करेंगे, यानी जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगी तो जो लोड है उसमें बहने वाली धारा और जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा, जिससे ओवरहीटिंग होगी और वो लोड जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसको डैमेज होने से बचाने के लिए अपने को जो है रेगुलेटेड पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो देखो कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले अपन सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो देखो क्या है, ये अपने पास अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये करंट लिमिटर है जो जेनर करंट को लिमिट करता है। इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। अब जेनर डायोड जो है इसको रिवर्स बायस पे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इस जेनर डायोड के पैरेलल में अपने लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा दिया, जिसके अक्रॉस में अपने को आउटपुट वोल्टेज चाहिए, रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए, ठीक है। अब जो ये रेजिस्टेंस है, इसको सोर्स रेजिस्टेंस आरएस भी बोलते हैं। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई, या अपन आईएस भी लिख सकते हैं उसको। जेनर डायोड में जो करंट फ्लो हो रही है उसको आईजेड से डिनोट किया गया है। लोड रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है उसको आईएल से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो देखो सर्किट के बारे में क्या है, यह है संट वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम है। अब संट रेगुलेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस आरएल के पैरेलल में रिवर्स बायस पर जेनर डायोड लगा हुआ है, इसलिए इसको संट वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं, ठीक है। इसमें इनपुट में अनरेगुलेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसको रेगुलेट करना है, ठीक है, तथा आउटपुट में लोड के अक्रॉस रेगुलेटेड वोल्टेज प्राप्त करते हैं। इनपुट में अपन ने अनरेगुलेटेड दिया और लोड पे क्या लिया, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। इसमें आरएस, सर्किट में मैंने आर से मेंशन किया है, इसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, जो जेनर डायोड में फ्लो होने वाली रिवर्स करंट या जेनर करंट को लिमिट करने के लिए यूज लेते हैं, ठीक है। इनपुट वोल्टेज तथा सीरीज रेजिस्टेंस आरएस की वैल्यू इस प्रकार से लेते हैं कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करे, ठीक है। ब्रेकडाउन में कब करता है, जब अप्लाइड वोल्टेज जेनर वोल्टेज VZ से इक्वल या उससे ज्यादा है, यानी VI ग्रेटर देन इक्वल्स टू VZ है। तो RS और इनपुट वोल्टेज की वैल्यू इस प्रकार से सेट करेंगे कि जेनर डायोड जेनर ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करे, ठीक है। तो अब जो जेनर डायोड जो है वो वोल्टेज कहां पे प्राप्त होगा, लोड आरएल पे, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। देखना अब आगे क्या है, अब डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसको आईजेड से डिनोट किया, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो फ्लो हो रही है उसको आईएल से, और सीरीज रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है उसको आईएस से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब देखो कंडीशन फर्स्ट, देखो जब तक लोड वोल्टेज VL, लोड के अक्रॉस में वोल्टेज, यानी लोड पे जो वोल्टेज है वो जेनर डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज है, जेनर वोल्टेज VZ, ये सॉरी VZ है, VZ से कम है, तब तक जेनर डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। ये जो VZ है इसको VZ से रिप्लेस कर लेना, नहीं करेगा, वह ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। जब लोड वोल्टेज जेनर वोल्टेज के बराबर या उससे ज्यादा होगा, तब जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करेगा, तब डायोड कंडक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है।
अब देखो तुम लोग सर्किट में, यहाँ पे अपन इस नोड पे केसीएल लगा रहे हैं। तो केसीएल क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल्स टू जीरो, यानी आने वाली धाराओं का योग इक्वल्स टू जाने वाली धाराओं का योग। तो देखो इसमें कौन सी करंट आ रही है, आई या आई एस नाम दिया मैंने, तो आई एस, जा कौन सी रही है, आई जेड और आई एल। तो यानी क्या लिख सकते हैं, आई एस इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल। देखो अपन ने लिखा है सोर्स करंट आई एस इक्वल्स टू जेनर करंट प्लस लोड करंट, ठीक है। अब इसको रेगुलेट में स्टडी करेंगे तो इसमें देखो दो टाइप से करेंगे अपन। फर्स्ट नंबर पे रेगुलेशन विद वेरिंग इनपुट वोल्टेज, यानी पहले में क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज को वेरी करते हैं, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, जबकि लोड रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगा। दूसरा जो है रेगुलेशन विद लोड रेजिस्टेंस आरएल, इसमें क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं और लोड रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं, यानी उसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब अपन क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं और लोड रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहे हैं, तब क्या है, मान लो सपोज करो अपन ने इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज किया, जब इनपुट वोल्टेज, देखो डायग्राम में देखो, जब इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये सोर्स करंट जो है ये इंक्रीज होगी, ठीक है। ये करंट बढ़ेगी तो क्या होगा, जनरल करंट इंक्रीज हो जाएगी, जबकि लोड करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ब्रेकडाउन के बाद जब इनपुट वोल्ट रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तब जनरल करंट बढ़ती है, जबकि उसके अक्रॉस में वोल्टेज वीजेड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब जब सोर्स करंट बढ़ेगी तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज जो भी बढ़ेगा, यानी लोड वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। देखो क्या है, जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होती है तब इनपुट करंट आईएस इंक्रीज होगी तथा जनरल करंट आईजेड भी बढ़ेगी, लेकिन लोड करंट कांस्टेंट रहेगी। यानी जब सोर्स करंट बढ़ेगी तो आरएस के अक्रॉस में वोल्टेज जो भी बढ़ेगा, जो कि लोड वोल्टेज वीएल को कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन क्या करते हैं, जब इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो सोर्स करंट आईएस भी डिक्रीज होगी, आईएस डिक्रीज होगी तो जनरल करंट भी डिक्रीज होगी, लेकिन लोड करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, आईएल कांस्टेंट रहेगी। अब जब आईएस डिक्रीज हो रही है तो आरएस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज होगा, जो कि लोड वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा, लोड वोल्टेज को क्या रखेगा, कांस्टेंट। यानी जब अपन इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो लोड वोल्टेज तो क्या रहा है, कांस्टेंट आ रहा है अपने पास, ठीक है, यानी उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा लोड वोल्टेज पे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज को तो कांस्टेंट रख रहे हैं लेकिन लोड रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। मान लिया अपन लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, जब लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो देखो लोड के अक्रॉस में वोल्टेज क्या है, वी नॉट या वी एल इक्वल्स टू आई एल इंटू आर एल। तो आरएल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी आईएल क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, तभी तो कांस्टेंट होगा। तो क्या है, जब लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो लोड करंट डिक्रीज होगी, लोड करंट डिक्रीज होगी तो जनरल करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, जबकि सोर्स करंट और आरएस के अक्रॉस में वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, तो लोड वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी प्रकार जब लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो लोड करंट इंक्रीज होगी, लोड करंट बढ़ेगी तो जनरल करंट डिक्रीज होगी, जनरल करंट डिक्रीज होगी क्योंकि जो है इनपुट वोल्टेज और आरएस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप दोनों क्या है, कांस्टेंट है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो लोड वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी दोनों कंडीशन में, चाहे तो अपन इनपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे तो भी लोड वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, जब अपन लोड रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, ठीक है, लोड को वेरी करेंगे तब भी आउटपुट वोल्टेज अपना कांस्टेंट रहेगा, यानी अपने को आउटपुट में रेगुलेटेड वोल्टेज मिल गया, रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिल गया। तो यही जेनर डायोड का फंक्शन है कि अनरेगुलेटेड सप्लाई को रेगुलेटेड सप्लाई में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अपना जेनर डायोड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो अपन स्टडी करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर डायोड। अब देखो वेक्टर डायोड क्या है, ठीक है, तो पहले ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं, उसके बाद अपन जो है स्लाइड स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले
अपन स्लाइड देखते हैं। देखो डायोड जिसका इंटरनल कैपेसिटेंस रिवर्स वोल्टेज के वेरिएशन पर वेरी करता है, इस प्रकार के डायोड को वेक्टर डायोड कहते हैं। वेक्टर डायोड हमेशा रिवर्स बायस पर वर्क करता है। यह वोल्टेज डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। देखो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। देखो अपन ने पहले स्टडी किया था कि जो पीएन जंक्शन है, ठीक है, उस पे जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। कैसे करेगी? देखो पी जो होता है इसमें मेजोरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन अधिक होती है, अधिक होने के कारण पी और एन दोनों जो है इनका रेजिस्टेंस कम होगा, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो है पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा, ये नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा, और जो डिप्लेक्शन लेयर है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करेगी, यानी यहाँ पे बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बन गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। देखो क्या है, ठीक है, रिवर्स बायस डायोड की तुलना एक चार्ज कैपेसिटर से की जा सकती है। मेजॉरिटी कैरियर की हाई कंसंट्रेशन के कारण पी तथा एन रीजन लो रेजिस्टेंस एरिया होते हैं, जो कि कैपेसिटर की समांतर प्लेटों की भांति व्यवहार करते हैं, तथा डिप्लेक्शन रीजन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की भांति व्यवहार करता है। यानी यहाँ पे क्या बन गया? एक कैपेसिटर बन गया, ठीक है। तो देखो इसको जब अपन ने रिवर्स बायस पे अप्लाई किया है तो डिप्लेक्शन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई, ठीक है। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये करेक्टरिस्टिक है, ये अपन बाद में करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, तो जो कैपेसिटर होगा, जो जंक्शन कैपेसिटर है, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि रिवर्स बायस पे अपन सी टी से इसको डिनोट करते हैं, तो सी टी इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू, जहां पे एप्सिलॉन जो होती है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसकी क्या है? परमिटिविटी है। क्या है? परमिटिविटी। ए जो है पीएन जंक्शन का एरिया है, डब्ल्यू जो है विथ ऑफ डिप्लेक्शन रीजन, यानी डिप्लेक्शन लेयर की चौड़ाई है, ठीक है। तो देखो क्या है, जब पी और एन रीजन को इंक्रीज करते हैं, यानी पी और एन रीजन को इंक्रीज करेंगे, यानी एरिया बढ़ेगा, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के समानुपाती है, यानी उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब अपन डिप्लेक्शन लेयर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? डिप्लेक्शन लेयर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रिवर्स बायस पे जब अपन रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लेक्शन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, तो डिप्लेक्शन लेयर बढ़ेगी तो सीटी क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वेक्टर डायोड की एडवांटेज देखते हैं, तो एडवांटेज अगर देखें तो एडवांटेज से पहले अपन करेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो करेक्टरिस्टिक में आओ तुम लोग। देखो यहाँ पे अपन ने जीरो रिवर्स बायस वोल्टेज लगाया, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे अपन ने रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज किया, ठीक है, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे, डिप्लेक्शन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, तो डिप्लेक्शन लेयर की चौड़ाई यानी डब्ल्यू इंक्रीज होगी, डब्ल्यू बढ़ेगी तो सीटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखो इसका कैपेसिटेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये इसकी क्या होगी? करैक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। अब आगे देखो इसकी एडवांटेज क्या क्या है वो देखते हैं। तो वेक्टर डायोड जो है वो लेस नॉइस, अगर डायोड से कंपेयर करें तो ये लेस नॉइस प्रोड्यूस करता है। ये जो होता है कॉस्टली भी नहीं होता है। वेक्टर डायोड जो है स्मॉल साइज होता है इसका, लेस वेट होता है। अब नेक्स्ट जो है अपन इसका एप्लीकेशन करते हैं, तो वेक्टर डायोड का उपयोग जो है उच्च फ्रीक्वेंसी यानी हाई फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीफाई, मल्टीप्लाई तथा स्विचिंग के लिए किया जा सकता है। अतः यह डिवाइस रेडियो रिसीवर के ट्यूनिंग सर्किट में गेन कैपेसिटर के स्थान पर भी प्रयोग किया जा सकती है। इस प्रकार का परिपथ रिवर्स के रिमोट कंट्रोल ट्यूनिंग परिपथ में भी किया जा सकता है, रिसीवर में यूज लेते हैं इसको। किस में लेते हैं? रिसीवर में, ठीक है। अगर अपन इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। तो ये जो आरएस और एलएस है ये क्या कहलाता है? ये जो है इसका लीड इंडक्टेंस है, ये
और ये जो है लीड रेजिस्टेंस है, ये इसका कैपेसिटेंस हो गया, जंक्शन कैपेसिटेंस हो गया, ये इसका जो है रिवर्स रेजिस्टेंस हो गया डायोड का, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। तो ये अपना कौन सा हो गया, वेक्टर डायोड हो गया। तो आज अपन ने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, जनरेटर डायोड और वेक्टर डायोड, ठीक है। इन दोनों टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को जो है कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ, ये वीडियो में जो कंटेंट है, जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं वो समझ में आए, ठीक है, आपको अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम इन कौशिक क्लासेज।